हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं फिर से ब्लॉग पे आ गई हूँ क्योंकि आज मुझे आप लोग को बताना था कि मैं आज कल बहुत बड़ा काम मैंने कर लिया। जो मेरे सर पे यानी मेरे गर्दन पे जो तलवार लटकी थी लोन की, वो कल फाइनली सब जमा हो चुका, सब लोन वोन ख़त्म हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या करना पड़ा। मैं सारा वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे अंदर से कहीं ना कहीं वो डर था कि नहीं हो पाएगा क्योंकि अंदर से वो डर था कि मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि 3 दिन से मुझे बुला कि मतलब ये मुझे बताया जा रहा था कि बैंक वाले कह रहे हैं कि आपका जो है, जब तक आप 6 महीने नहीं जमा कर लोगे तब तक नहीं हो पाएगा, लोन नहीं कटेगा ये वो। तो मैं फिर डायरेक्ट बैंक HDFC जाके मैनेजर से बात किया तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज, जाने के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, क्या कि मुझे अभी तक ये लग रहा था कि मेरे क्रेडिट कार्ड से 1,00,000 रुपये लोन लिया गया है, बट ऐसा नहीं था। मेरे क्रेडिट कार्ड से 1,75,000 रुपया लोन लिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह पता चली कि लोन क्रेडिट कार्ड से नहीं, मेरे ATM से किया गया था। जो भी सिस्टम था मुझे नहीं पता था, तो मतलब अगर मैं नहीं बैंक जाती तो मुझे शायद ये पता भी नहीं चलता। और मैं अभी भी इतना भरोसा उस बंदे पे कर रही हूँ, आप मुझ क्योंकि मतलब इतना कुछ होने के बाद भी मैं भरोसा कर रही हूँ और तब भी मुझसे सच छुपाया जा रहा था। तो मैंने ठान लिया कि मुझे बैंक जाना है। मैं बैंक पहुँची तो मुझे सारी चीज़ें पता चला। फिर मुझे झूठ नहीं बोलना है बंदे ने, ये एक लाख कल उन्होंने ही दिया। और फिर हम यहाँ से गए जौनपुर और जौनपुर से हमने अपना पूरा बैंक में काफ़ी टाइम तक खड़े थे। मेरी लीवर की मुझे दिक्कत है, जैसे आप लोग जानते हैं मुझे बहुत इशू होता है, मेरी पूरी बॉडी स्वेल जाती है, मैं पैदल चलती हूँ मतलब बहुत ज़्यादा। तो पहले क्या था कि अगर हम कहीं भी जाते थे साथ में तो खाना पीना सब हमारा साथ होता था, बट कल बंदे ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कुछ खाओगी पियोगी। मैंने बोला कि चाय पीते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, कोई नहीं। जब इंसान क्या कहते हैं कि जब तक आपसे ज़रूरत रहता है, नई नई चीज़ें होती हैं तो बड़ा प्यार मोहब्बत होता है, बहुत केयर किया जाता है कि आपको लगे नहीं बंदा तो मेरा बहुत केयर कर रहा है, अब बस इसके अलावा और कोई नहीं। वो जब कुछ साल रह लेते हैं, एकदम यूज़ लेते हैं, तो वो मक्खी में गिरी चाय की तरह ऐसे फेंक देते हैं आपको। तो मेरे साथ सेम वही हुआ है। तो एक बार भी बंदे ने नहीं पूछा कि चाय पानी है, कुछ तुम्हें खाना है, कुछ नहीं। फिर भी कोई इशू नहीं। और हमारा लोन सबसे बड़ा, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हेडेक हटा है कि लोन हट गया, क्योंकि मेरा दुकान इतना नहीं चल रहा और मुझे दोनों जगह का रेंट 10,000 महीने का देना रहता है, दुकान और रूम का। मैं खाऊं या ना खाऊं, मेरे पास कुछ है या ना है, लेकिन मुझे रेंट देना ही है। तो मैं सबसे बड़ा यही था कि मुझे रेंट का कैसे भी तरह संभाल के चलना है। और ये EMI में 14,822 रुपया कहाँ से भरती? तो ये मेरा सबसे बड़ा काम की ख़त्म हो गया। तो कल आते आते मुझे शाम हो गया था, बट मैं आई, मैं टेम्पू से गई थी, बस से आई। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे वहाँ से ये एक रसीद मिला है बैंक से, HDFC बैंक से ये एक रसीद मिला है। और दिखा रही हूँ, और मुझे ये एक मिला है, ये पेपर्स मिले हैं। तो फाइनली हो गया कि मेरा लोन ख़त्म हो चुका ये वाला। तो मैं थैंक यू भी बोलूँगी उनका, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया जैसा आप लोग सब जानते हो, बट चलो ये काम अच्छा किया कि मेरा लोन कटवा दिया। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, जैसे भी कटवाया, लड़ाई झगड़ा मार गंदगी के बाद हमारे बीच कुछ भी सही नहीं है। और ये सब कहीं ना कहीं ये पैसा ही है, मुझे लगता है ऐसा। तो मेरा सबसे बड़ा ये काम हो गया, तो मैं आप लोग को बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ। और तो मुझे लगा ब्लॉग में मुझे आप लोग को बताना चाहिए, क्योंकि जब मैं बुराई बता रही हूँ तो मैं थोड़ा सा अच्छाई भी बताऊँगी। क्यों? क्योंकि बुराई तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ही कुछ किया है, बट अच्छाई इसलिए बता रही हूँ कि इतने कुछ के बाद उन्होंने फाइनली मेरा लोन ख़त्म करा दिया। तो उसके लिए उनको भी दिल से, तहे दिल से थैंक यू सो मच और शुक्रिया अदा करती हूँ। बट उन्होंने लाइफ का जो दर्द यहाँ दिया है ना, वो मतलब नहीं ख़त्म होने वाला जब तक सांसें चलेंगी। और आगे का नहीं पता क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो जाएगा, बट लोन के लिए थैंक यू। और आप सबके सपोर्ट का भी मुझे ज़रूरत है, जो मैं हमेशा बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें और सबको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं करें। थैंक यू सो मच, मुझे सपोर्ट करते रहें ऐसे ही।